दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं गई थी झंडे वाला मंदिर जहाँ हनुमान की वो बड़ी सी मूर्ति दिखाई देती है। तो स्टार्टिंग में मेट्रो से हम उतरते हैं तो हनुमान मंदिर का जो मेन एंट्री है वो ऐसी दिखाई देती है। ये देखो यहाँ से एंट्री होती है और बाहर ही भगवान का प्रसाद मिलता है। प्रसाद की थाली 100-150 रुपये में देते हैं। खाली एक प्रसाद की थैली होती है, एक माला और एक चुन्नी। तो आप ये क्यों इसमें एक एक 150-150 रुपये का वो करें? अपने प्रसाद चढ़ाना है भगवान के तो हम 20 रुपये में भी प्रसाद नॉर्मली ले सकते हैं, 20 रुपये दे करके प्रसाद भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको अंदर दिखाते हैं। अंदर बिल्कुल सामने जैसे हम गेट से एंट्री करते हैं तो बिल्कुल सामने भगवान हनुमान जी की मूर्ति बिल्कुल सामने है, आगे दिखाई देगी सभी को। जैसा कि आप लोगों को अभी अंदर चल के मैं दिखाऊंगी तो भगवान हनुमान जी वहाँ पर पुजारी जी बैठे हुए हैं, सभी के प्रसाद का भोग लगाते हैं यहाँ और सभी को वापस उनका प्रसाद वापस देते हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ मेट्रो से आना बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर हम कहीं से भी दिल्ली में हैं और हम कहीं से भी मेट्रो पकड़ करके झंडे वाला स्टेशन से इस मंदिर पर आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुद की गाड़ी या व्हीकल से आएंगे तो यहाँ पर इसके सामने मंदिर के सामने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो मैं तो यही कहूँगी अगर हमें इस मंदिर में आना है तो हम सबसे अच्छा साधन मेट्रो का ही है और झंडे वाला स्टेशन से उतर के हनुमान मंदिर में हम जा सकते हैं। ये देखो इसमें 24 घंटे अखंड पाठ चलता रहता है दोस्तों इस मंदिर में। ये इस मंदिर की खासियत है। और एक बात आपको और बता दूं, सभी मूर्तियाँ इस मंदिर में सभी मूर्तियाँ विराजमान हैं। सभी मंदिर पूरी सभी की सभी मूर्तियाँ इस मंदिर में विराजमान हैं। शेरावाली माँ हो, शिव जी हो, भोला हो, मतलब कोई भी हो जिसकी भी हम पूजा करते हैं, माता काली शनि देव का। और तो और जो हमारे नवग्रह है ना, नवग्रह वो इस मंदिर में विराजमान है। और पता है इस एक मंदिर में ये भी है कि अगर इसमें हम जाते हैं थोड़ा बहुत मंदिर में घूमते हैं देखते हैं, 3 मंजिल का ये मंदिर है। स्टार्टिंग पे ही हम जब एंट्री की थी तो उस मंदिर में घुसते ही हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति थी और ऊपर चलकर भी और मूर्तियों के दर्शन होते हैं जिसमें साईं बाबा, शेरावाली, कृष्ण, राधा कृष्ण और भी कृष्ण जी के बाल रूप। और यहाँ आप पता है झाड़ा भी लगवा सकते हैं ऐसे बाबा से, क्योंकि जो कुछ नेगेटिविटी हमारे साथ होती है तो थोड़ा हो जाता है, जैसे नेगेटिविटी साथ हो तो फील होने लगता है शरीर में, तो हम पंडित जी से अपना झाड़ा भी लगवा सकते हैं और धागा भी बंधवा सकते हैं पंडित जी के पास। ये देखो मैंने बंधवाया है। तो इस मंदिर में सभी मूर्तियां विराजमान हैं। शेरावाली माँ की देख लो, साईं बाबा की देख लो, कृष्ण कन्हैया की देख लो, कन्हैया का छोटा रूप देख लो, और तो और वैष्णो माता की इसमें गुफा तक है जिसमें जो वैष्णो माता हम वहाँ वैष्णो देवी जाते हैं देखते हैं, गुफा का रूप देखते हैं वो इसके अंदर हमें दिखाई देता है। तो वैष्णो माता की गुफा भी इस मंदिर में बनी हुई है। 3 मंजिल का ये मंदिर है। पहली मंजिल स्टार्टिंग की मंजिल पे तो हम माता रानी कृष्ण कन्हैया के दर्शन करते हैं और इस पे पंचमुखी हनुमान जी हैं, उनकी मूर्ति भी देखने को मिलती है। और ये देखिए समुद्र मंथन का फोटो भी आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ समुद्र से विष निकला था। ये गंगा इसमें है और माता शेरावाली की मूर्ति आप लोग सभी देख सकते हैं। और ये जो महात्मा है जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, जो इस मंदिर के पुजारी थे सबसे पहले, काफ़ी टाइम तक ये उनका धूना है। यहाँ से आप धूप भी ले सकते हैं अगर अपने घर पे ले जानी हो तो। तो मैं ये कहती हूँ कि झंडे वाला अगर आप आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ और इस मंदिर में भगवान सभी भगवानों के एक साथ दर्शन कर सकते हैं। दूर अलग अलग के कहीं जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो पानी है गर्भ वाला पानी, देखिए तो इस मंदिर में सभी देवी देवताएं इस मंदिर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ हम ये देखिए अब हम इस पवित्र गुफा में, जो वैष्णो देवी की गुफा मैं आप लोगों को बता रही थी, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए माता की गुफा, ये मैया रानी में शिव जी का स्वरूप दिखाया गया है इसमें और हम इसके अंदर एंट्री करते हैं।
काली माता, तो मतलब सब सभी देवी देवताओं के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए इधर माता वैष्णो देवी विराजमान है, आप वैष्णो देवी माता के दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी आप इस मंदिर में आएं या इसके आसपास कभी भी किसी जगह पर आएं तो इस मंदिर में ज़रूर आएं। इस मंदिर को झंडे वाला हनुमान जी का मंदिर बोलते हैं शायद, तो इस मंदिर में दर्शन करके जाएं। और तो दोस्तों मैं तो गई ऐसे ही थी और काफ़ी दिनों से प्लान भी बना रही थी यहाँ जाने का, लेकिन जा नहीं पा रही थी। और इस कल मैं किसी और काम के लिए गई थी लेकिन जाना मंदिर में पड़ गया, तो सोच रहे थे वहाँ जाने के बाद चलो दर्शन कराते हैं। तो दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, दर्शन हुए और कितना आनंद आया वहाँ जा कर के भगवान के आगे मत्था टिका करके, आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। ये देखो वो गुफा है जिसमें शेरावाली मैया नहीं वैष्णो देवी माता जिसमें विराजमान है। चलिए हम आपको एक गुफा दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल ही गहरी गुफा है और अब एंट्री इसकी बाहर निकलेगी, हम तो आपको बाहर का भी दिखाएंगे अभी। ये देखिए अब हम बाहर आ गए, बाहर ये दोनों तरफ मैया के शेर हैं और ये एग्जिट है, यहाँ से एग्जिट है इनका, एंट्री उधर से थी और एग्जिट इस मेन उससे है। और अगर आप लोगों को कुछ सामान भी ख़रीदना है यहाँ हनुमान जी से रिलेटिव, गदा भाले वगैरह मतलब कुछ भी जो चीज़ आप, अगर भगवान की मूर्ति वगैरह हनुमान की मूर्ति कुछ भी अगर आप लेना चाहें तो यहाँ एक शॉप भी अवेलेबल है, यहाँ से आप कोई भी सामान ले सकते हैं और अपने घर ले जा सकते हैं। और इस दुकान के साथ में ही नवग्रह स्थापित हैं और इसी के साथ में यहाँ इधर शनिदेव विराजमान हैं और यहीं इधर का आए तो सदर में थे लेकिन यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को देखा तो रहा ही नहीं गया, इसलिए उनके मंदिर में भी वो आए। और आज मंगलवार वैसे था तो मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के दर्शन हो गए, थोड़ा सा हमने भी भगवान का नाम ले लिया इसी उस पर। तो सभी को जय श्री राम भक्तों।